इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर अपने सोलर मिशन को लॉन्च करने वाला है। इसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसरो ने सोमवार को ये जानकारी दी है। चंद्रयान 3 जो धरती से चांद पर पहुंचने के लिए लगभग 3,88,000 किलोमीटर तक ही गया था, लेकिन इसरो के मुताबिक भारत का पहला सूर्ययान यानी कि आदित्य L1 मिशन धरती से लगभग 15,00,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और सूर्य की तरफ जाकर वहां की रहस्यमय जानकारियों को जुटाएगा, सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 के पास 7 पेलोड होंगे। बताया जा रहा है कि आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है, इसलिए ये प्रिसेप्शन के बाद एक अंडाकार कक्षा में जाएगा और वहां से सूर्य के L1 बिंदु तक यात्रा करेगा, जिसमें लगभग 120 दिन यानी कि 4 महीने लगेंगे। ये यान जो 7 पेलोड लेकर जाएगा वो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का निरीक्षण करने में मदद करेंगे। आदित्य L1 ग्रहणों और गुप्त घटनाओं से बाधित हुए बिना लगातार सूर्य का निरीक्षण करने में सक्षम है। बहरहाल अब चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद अब सबकी नजर इसरो के सूर्य मिशन पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में सूर्य की गतिशीलता, अंतरिक्ष मौसम पर सूर्य के प्रभाव और सूर्य के व्यवहार, सूर्य के तापमान और सूर्य की धरती पर पड़ने वाली पराबैंगनी किरणों को लेकर स्पष्ट डेटा मिल जाएगा। साथ ही सूर्य के कई अनसुलझे रहस्यों का खुलासा भी हो सकता है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हमारे वैज्ञानिक मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से गदगद हो रखे हैं और इसके बाद आदित्य L1 एक बहुत बड़ी सफलता साबित हो सकता है। इसी तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन।